हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सीएमबी सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। 62.16 लाख किलोमीटर ये हमारे पूरे भारत का रोड नेटवर्क है और इसी वजह से हमारे इंडिया के पास हमारी पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क होने का रिकॉर्ड है, जिसमें हमारे भारत में सिर्फ 1,36,440 किलोमीटर के तो सिर्फ नेशनल हाईवेज है और 1,76,818 किलोमीटर के तो सिर्फ एक्सप्रेस हाईवेज है। स्टेट हाईवेज, मेजर रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स ये सभी को मिलाकर टोटल 59,02,539 किलोमीटर के रोड्स है। लेकिन हमारे इंडिया के ये जो लोकल रोड्स होते हैं, यानी कि जो गांव के, डिस्ट्रिक्ट के और जो सिटीज के रोड होते हैं, उन्हें हर साल नया बनाना पड़ता है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर बारिश या तो फिर कोई अदर रीजन की वजह से वो रोड्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नया बनाना पड़ता है। और अगर एक साल तक चल जाता है तो उसकी एवरेजली शायद वो 2 साल तक या तो फिर 3 साल तक चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि उन्हें रिपेयर ही ना करना पड़े और वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाए, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो हाँ, ये चीज पॉसिबल है। आज के दिन हम इन्ही चीजों के बारे में बात करने वाले है। तो कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल यानी कि UBC, उनके एक सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर नेम कुमार भाटिया, उन्होंने ऐसा एक सेल्फ रिपेयरिंग रोड डेवलप किया है। नेम कुमार ये एक इंडियन है और उन्होंने ये हमारे भारत के लिए ही ये एक नया इन्वेंशन किया था। और ये लोग बेंगलुरु से लगभग कुछ 90 किलोमीटर की दूरी पर उसके हाईवे पर थोड़े बावी नाम के एक गाँव में यह रोड है और यही रोड सेल्फ रिपेयरिंग, सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग है। प्रोफेसर नेम कुमार, जिन्होंने दिल्ली IIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और वो पिछले 34 साल से कनाडा में है। नेम कुमार ये कनाडा एंड इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सलेंस IC इंपैक्ट्स के यह साइंटिफिक डायरेक्टर है और ये UBC में है। ये सेंटर एसोसिएट प्रोजेक्ट को इसे बनाने पर उनका पूरी तरीके से फोकस था। पता है ये जो गांव है वहां पर पहले से कोई भी सड़क नहीं थी, जहां पर पहले धूल, मिट्टी और पत्थर की एक रोड थी और उसके बाद वहां पर नई रोड 2015 अक्टूबर में वहां पर कंस्ट्रक्ट की गई थी। लेकिन सीजन की उतार चढ़ाव के बावजूद इसे पूरी तरीके से श्योर करने के लिए यहां पर समर्स और खास करके मॉनसून के टाइम पर यहां पर ध्यान रखा जाता था और फिर उसके एक साल या तो फिर उसके थोड़े से ज्यादा टाइम के बाद में ये डिक्लेयर किया गया कि ये रोड पूरी तरीके से मजबूत है और इस पूरे एक साल के अंदर इसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। और उसके बाद नेम कुमार के इस प्रोजेक्ट को एक सक्सेस प्रोजेक्ट के रूप में इसे डिक्लेयर किया गया। ये रोड लगभग 100 mm मोटा है, जो स्टैंडर्ड इंडियन रोड्स के कंपैरिजन में लगभग 60% कम मोटा बनाया जाता है। ये पहली बार ऐसा रोड बनाया जाने की कॉस्ट ये लगभग 30% जितना कम सस्ता बनता है। अब रोड्स बनाने में सीमेंट का यूज होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस जनरेट होती है, जो एनवायरमेंट के लिए नेगेटिव इफेक्ट करता है। और इसे रोकने के लिए इस बार 60% सीमेंट को बदलकर फ्लाई ऐश का यूज किया गया था। लेकिन इस रोड की मेन चीज ये है कि यह बिल्ट इन क्रैक हीलिंग सिस्टम यह कैसे होती है, यानी कि ये एक्चुअली में ऑटोमेटिकली रिपेयर कैसे होता है। और फिर इसी वजह से नेम कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एक ऐसा फाइबर होता है जिसके ऊपर हाइड्रोफिलिक नैनो कोटिंग चढ़ाया होता है। हाइड्रोफिलिक यानी कि एक ऐसा केमिकल जो पानी को अट्रैक्ट करता है। अब ये जो हर दरारे होती है वो उसके पास हमेशा एक अनहाइड्रेटेड सीमेंट होता है और अब ये पानी इसे हाइड्रेशन कैपेबिलिटीज देता है और सिलिकेट का प्रोडक्शन होता है, जो टाइम पे उस दरार को भर देता है। तो इस तरीके से इस रोड की रिपेयरिंग की पूरी सिस्टम हो जाती है और ये रोड अभी तक सही सलामत है, जिसे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और उनका ये अभी भी कहना है कि ये रोड अभी भी 15 साल और चलेगा, जबकि हमारे लोकल रोड्स सिर्फ 2 साल तक ही चलते हैं। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन सेल्फ रिपेयरिंग रोड्स के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन सिलेक्ट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारी सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे।